पांच चीजें जो आप कर सकते हैं अगर आपको सैडनेस, डिप्रेशन या एंजाइटी फील हो रही है। सबसे पहली चीज, अगर आपको बहुत ज्यादा टेरेबल फील हो रहा है तो आप जो भी कर रहे हैं उसे रोकें और थोड़ी देर के लिए नेचर में वॉक करने चले जाएं। स्टडीज हैव शोन कि नेचर में 20 मिनट का ब्रेक लेने से स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करने से हमारी बॉडी सेरोटोनिन रिलीज करती है, जिसे हैप्पी हार्मोन्स भी कहा जाता है। ऑल्सो अगर हम कमरे में बैठे रहने की बजाय नेचर में जाकर वॉक करते हैं तो हम अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को ऑब्जर्व करते हैं और शायद जो हमें परेशानियां बहुत पहाड़ जितनी बड़ी लग रही होती हैं वो छोटी लगने लग जाती हैं, क्योंकि हमें ये रियलाइज होता है कि जो अल्लाह इतनी डिटेल में इस दुनिया को बना सकता है वो हमारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है। ऐसी कोई मुसीबत नहीं जिसे अल्लाह ना सॉल्व कर पाए। सेकेंड पॉइंट, किसी से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी फीलिंग्स को अपने ही अंदर दबा लेते हैं, पर धीरे धीरे वो बातें हमें अंदर से खाने लग जाती हैं। पर ध्यान रखें कि आप जिससे भी अपनी फीलिंग्स शेयर करें वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आपके राज किसी और को जाके बता दे। तो इट्स वेरी सेफ कि आप थेरेपी लेना शुरू कर दें। आजकल ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप साइकोलॉजिस्ट से फोन पे बात करके थेरेपी सेशंस ले सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप एक डायरी में अपनी सारी फीलिंग्स लिख लें। जस्ट मेक श्योर टू हाइड दैट डायरी वेल and you will instantly start to feel better. When we vent out our feelings, तो वो जो एक pressure build-up हो रहा होता है वो थोड़ा normalize हो जाता है। Third point, कुछ healthy खा लें। कभी कभार ज्यादा देर तक भूखे रहने से हमारी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है और हमारा पूरा बॉडी सिस्टम टेंस्ड हो जाता है। सो whenever you're feeling sad or you're feeling irritated, just eat something. Fourth point, थोड़ी देर के लिए सो जाएं। सोने से आपकी बॉडी को एक रेस्ट टाइम मिल जाएगा एंड व्हेन यू वेक अप योर बॉडी विल बी एबल टू कोप विद द स्ट्रेस बेटर। फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिकनेक्ट विद अल्लाह। कई बार हम अपनी जिंदगी में लोगों को वो जगह दे देते हैं जो सिर्फ अल्लाह की है, और जब लोग हमें डिसअपॉइंट करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जब भी आप सैड फील करें, अपने आप को ये याद दिलाएं कि कुरान में अल्लाह ने साफ साफ बयान किया है कि बेशक सिर्फ अल्लाह की याद में दिल सुकून पाते हैं। क्योंकि हमारा जिस्म मिट्टी से बना है तो इसकी ग़िज़ा मिट्टी से उगने वाली चीजों में आती है, पर जो हमारी रूह है वो अल्लाह की तरफ से आई है और हमारी रूह की ग़िज़ा अल्लाह है। तो जब भी आपकी रूह परेशान हो तो अल्लाह से रिकनेक्ट हुए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। प्लीज फॉलो मी ऑन ऑल माई ऑफिशियल ओरिजिनल अकाउंट्स ताकि आपको यूजफुल वीडियोस मेरी तरफ से मिलती रहें।